बसमिलीम नहमदसली रसोल कर करीम अम्माबाद महतरम नाजरीन कराम आज कमेंट बॉक्स का दिन है आप तमाम अहबाब की बहुत से सवाल आए हुए हैं जिनमें में मैंने कुछ आपके कमेंट्स महफूज़ किए हैं जिनके आज जवाब देने मकसूद हैं एक साहबाएँ है, हव्वाशरफ़ इन्होंने एक सवाल बहुत सी वीडियो के अंदर कर रखा है और मैंने इनका जवाब रिप्ले में कई मरतबा में दे चुका हूँ लेकिन ये शायद अपने डिप्ले उसके अंदर नहीं देखती हैं चुनाचे में सबसे पहले उन्हीं का जवाब देता हूँ बस तो वाले असलम आलकम मुफ्ती साहब अलवीना नाम लड़की का रख सकते हैं या नहीं रख सकते वालेकुम अस्सलाम वरह ये अलवीना आइन के साथ हो या अलवीना हमज़ा के साथ हो ये हमने काफ़ी तलाश किया तलाश बी के बावजूद ये हमको नहीं मिल पाया है इसलिए ये नाम मुनासिब नहीं है इसके बजाय कोई अच्छे माना का नाम रख लें तो ज़्यादा बेहतर है ये नाम मुनासिब नहीं है एक साहिबा है सुमैया अली इनका सवाल है वालेकुम मुफ्ती साहब लड़की का नाम शजफा रख सकते हैं वालेकुम व रहमतुल्ला शजफा नाम रख तो सकते हैं बाकी इसके माना कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है शजफा इसके माना आते हैं रोकना तो ये कोई ज़्यादा अच्छे माना नहीं है बाकी रख सकते हैं इसी तरीके से एक आईडी है न्यू सीज़न इनका सवाल है वालेकुम मेहजान नाम रख सकते हैं बॉयज़ का और इसका मानी एंड अनायरा लड़कियों के लिए क्या मतलब है अस्सलाम व वरहल मेरा नाम आपने इसमें पूछा है मेहजान मेहजान लफ्ज हमने काफ़ी तलाश किया तलाश बी सी आर के बावजूद ये हमको नहीं मिल पाया है इसके बरए कोई अच्छा माना वाला नाम रख लें दूसरा नाम रख लें और अनायरा अनायरा की जगह आप सिर्फ नायरा नाम रख लें हमसा इसके साथ नहीं लगेगा नायरा नायरा रख सकते हैं नायरा के मन आते हैं रोशन और इसी तरीके से एक माना इसके आते हैं आग के और रोशनी के बीच के माना आते हैं तो नायरा के नाम रखा जा सकता है बाकी अनायरा नाम ये हमको हमजा के साथ नहीं मिल पाया है इसी तरीके से एक आईडी है हैप्पी व्लॉग्स इनका सवाल है वालेकुम मुफ्ती साहब जकी और जकी नेम का मतलब क्या है वालेकुम अस्सलाम वरम् इसमें जो पहला लफ्ज़ आपने पूछा है जकी ये लफ्ज़ सही है ज़की ज़ा के साथ इसके मान आते हैं ज़हीन के पाक साफ़ तो ज़की नाम अच्छा है बाकी जे के साथ ज़की आपने लिखा है यह कोई नाम नहीं है इसी तरीके से एक साहब है सरदार अनीस का सवाल अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब इश्मल और जुवेना नेम का मतलब बता दीजिए अल्लाह पाक आपको जज़ाय खैर दे वालेकुम अस्सलाम वरह इश्मल जो लफ्ज़ आपने पूछा है इसकी मैं एक मुस्तकिल वीडियो बना चुका हूँ ये सही इसका होता है अशमल हमजा पर ज़बर के साथ और उसके मनाते हैं ज़्यादा शामिल होना दूसरे के ज़्यादा आम होना ज़्यादा जामे होना तो अशमल नाम रखा जा सकता है बाकी इश्मल कोई सही तलफ़ुज़ इसका नहीं है जुवेना जुवेना नाम रखा जा सकता है जुवेना इसके मनाते हैं समझदार औरत जुवेना अच्छा नाम है ये रख सकते हैं इसी तरीके से एक साहिबा का सवाल है सजीदा अनहा नेम के मायने का क्या है यह आपने पहला लफ्ज़ पूछा है सजीदा सजीदा नहीं होता असल इसका सही तरफ है साजिदा साजिदा इसके माना आते हैं सजदा करने वाली साजिदा अच्छा नाम है यह हम रख सकते हैं तरन्नुम तरन्नुम इसके माना आते हैं सुर और नगमा तरन्नुम नाम भी रखा जा सकता है लेकिन कोई ज़्यादा अच्छे माना इसके नहीं है बाकी रख सकते हैं एक नाम आपने पूछा है अनहा अनहा इसके तलफुज में दो तरह से आता है एक तो बड़े हा के साथ अनहा तो अनहा के मना आते हैं दर्द और तकलीफ़ की वजह से हलक से निकलने वाली आवाज़ ये अनहा के मनाएंगे और अगर अनहा आखिर में हमजा भी लगा देंगे अनहा तो फिर इसके मनाएँगे मुख्तलिफ़ जिहाद अनवा तो अनहा बड़े हा के साथ ये हमज़ा के आखिर में हमजा होगा तो ये नाम रखा जा सकता है अकसाम अनवा अतराफ इस माना के अतबार से और अगर ये लफ्ज़ इसका तलफज़ हम पढ़ते हैं अनहा छोटे हा के साथ और खड़े ज़बर के साथ तो अनहा इसके माना आते हैं रोकना मना करना तो ये नाम मुनासिब नहीं है और अगर इसको हम पढ़ते हैं अनहा छोटे हा के साथ और आखिर में हमजा के साथ अनहा तो अनहा इसके माना फिर आते हैं पानी जमा होने की जगह तो ये नाम ए बड़े हा के साथ और आखिर में हमजा के साथ अनहा ये तो रखा जा सकता है इसके माना अकसाम अनवा अतराफ बाकी अनहा जो आपने पूछा है छोटे हा के साथ ये नहीं मुनासिब नहीं इसके माना कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है इसी तरीके से एक साहब का सवाल है मुफ्ती साहब क्या मैं अपनी बेटी का नाम हाल नूर रख सकती हूँ हाल नूर आप रख सकती हैं हाला हाल नूर आप नाम रख सकती हैं हाला इसके माना तो आते हैं जो चांद के इर्द गिर्द जो गोल घेरा बना हुआ होता है उसको हाल कहते हैं तो हाल नूर कहते हैं रोशनी का हाल रोशनी का घेरा तो हाल नूर नाम रखा जा सकता है कोई ख़राबी नहीं है इसी तरीक़े से एक साहिबा है उम्मे ईमा इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब शाह नेम के मीनिंग बता दीजिए प्लीज़ वालेकुम अस्सलाम वरह शाह ये कोई लफ्ज़ हमको नहीं मिल पाया है अगर इसको बड़े शीन से पढ़ते हैं शाशा तो फिर इसके माना जो मुनासिब नहीं है पेशाब के आते हैं तो ये नाम नहीं रखना चाहिए इसी तरीक़े से एक साहब है सरदार अनीस का सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब अरमिश एंड अमरिश नेम मीनिंग बता दीजिए वालेकुम असल मेरा नाम आपने पूछा है अरमिश अरमिश इसका सही तलफ़ुज होता है अरमश अरमिश नहीं होता है और अरमश इसके माना एक तो आते हैं आँख और पपोटों का सुरख होना और इसी तरीके से एक माना अरमश के आते हैं हसन खल्क उम्दा अखलाक के तो दूसरे माना के अतबार से अरमश नाम रखा जा सकता है बाकी अरमिश ये कोई नाम नहीं है जेर के साथ में और अमरीश अमरीश आपने पूछा अमरीश लफ्ज़ हमको नहीं मिल पाया है इसी तरह से एक साहिबा है सादिया पिराचा गसवाले असलम मुफ्ती साहब जजाकल्ला आपने मेरे सवाल का जवाब दिया अचानक वीडियो में, में मेरा नाम आया बहुत खुशी हुई कुछ नामों का मतलब कमेंट्स में ही बता दें प्लीज़ या जल्दी इन पर वीडियोस बना दें इफरा और इफरा, इफरा के मानी नुमायन और मुनफरद के हैं अलिफ़ रे और गोल छोटी है जबकि इफराह के माने खुशी देने वाली ये मैंने नेट पे उर्दू लगात में देखे हैं, जबकि आपने इफ़रा के माने चुस्त और चालाक ही चालाक के बताए हैं दोनों में इफ़रा सही है या इफराह नाम की स्पेलिंग सही है चुस्त और चालाक क्या ये अच्छे अच्छे मतलब हैं और इसी तरीके से चालाक से तो नाम का मतलब अच्छा नहीं ल, लग रहा है वहाज और एजल और रबीसा नाम का मतलब भी बताते जजाकल्ला आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आपने अपनी वीडियोस के जरिए बहुत शुक्रिया वालेकाम वरहुल्ल देखिए इफ़रा जो नाम मैंने बतलाया है वो हमज़ा के साथ आता है इफ़रा इसके माना चुस्त और चलाक के आते हैं ये नुमाया मुनफरद ये हमको कहीं नहीं मिल पाए हैं बाकी इफ्राह बड़े हा के साथ इसके माना खुश होना और खुश हो जा तो ये नाम माना भी इसके आते हैं फराह भी रखा जा सकता है बाकी चुस्त और चालाक होना इससे कोई गलत माना नहीं बनते चुस्त के माना आएंगे इसके अंदर मुस्तैद होना कि चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना तो ये नाम सही है रखा जा सकता है बाकी दूसरा नाम आपने पूछा है वहाज वहाज इसके आते हैं रोशन मुनवर ये अच्छा नाम है एजल ये एजल एजिल एक लफ्ज़ होता है इसके मान आते हैं जो तस्वीर साजी में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको एजिल कहा जाता है तो ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है रबी सा नेम भी हमको नहीं मिल पाया ये भी सही नहीं है इसी तरीक़े से एक साहब है सुहैल शेख इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब बच्ची के कान में अजान और अलकमती दोनों देनी चाहिए कि नहीं वालेकुम अस्सलाम व वरम्ला देखिए बच्चे के कान में अजान और इकामत शायद आप कहना चाह रहे हैं अलकाम लिख दिया बच्चे के कान में अजान और इकामत दोनों कही जाती है जो दाना कान होता है जो दाया कान है दाएँ कान के अंदर तो बच्चे के अजान पढ़ी जाएगी और जो बाया कान होता है बाएँ कान के अंदर इकामत यानी तकबीर कही जाती है तो दोनों चीज़ें पढ़ी जाती है इसी तरीके से साहिबा का सवाल है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है नूर आयशा और मेरी बेटी का मैं फ़ोकिया रबी रखना चाहती हूँ इसलिए इसके मीनिंग बता दीजिए प्लीज़ वालेकुम सलाम वरह फोकिया नाम अच्छा है फोकिया इसके मनाते हैं फोकियात वाली मुमताज़ आला बुलंदर इसी तरीके से ये नाम अच्छा है तमाम तमाम मानी इसके अच्छे हैं और इसके साहब आपने पूछा है रबी रबी भी अच्छा नाम है रबिय इसके मनाते हैं मौसम बहार सर्दी और गर्मी के दरमिया का मौसम और एक माना इस कहते हैं सरसब्ज़ पौधे एक माना इस कहते हैं छोटी नहर तो रबी ये नाम अच्छा है ये नाम भी रखा जा सकता है फोकिया रबी दोनों नाम आपने अच्छे रखे हैं इसी तरीके से एक साहब है बिट्टू खान इनका सवाल है इहाम फातिमा कैसा नाम है और मिशाल फ़ातिमा इन दो दोनों में कौन सा सही है इहाम फातिमा नाम सही है ये भी रखा जा सकता है इहाम इसके माना आते हैं अल्लाह की तरफ से किसी के दिल के अंदर कोई खैर की बात का आ जाना खैर की बात का अल्लाह की तरफ से इंसान के दिल के अंदर आना इसको इहाम कहते हैं इस माना के अतबार से इ्हाम फ़ातिमा ये लड़की का नाम रखा जा सकता है और मिशेल आपने लिखा मिशाल नाम होता है मिशाल मिशाल के माना आते हैं रोशनी का आला और इसी तरीके से आग जलाने का आला टॉर्च तो ये नाम रखा जा सकता है बाकी इल्हाम फ़ातिमा ये मिशाल से ज़्यादा बेहतर है इसी तरह से एक साहब का सवाल है वालेकुम उम्मीद है आप खैरियत से होंगे लड़की का नाम रिंजा रखना कैसा है और इसके मायने की वजाहत कर दें और अगर ये बेहतर है तो रिजा सिद्दीकी रखा जाए या रिज़ा फ़ातिमा महम्मद मुसाफ़्दीक उमुल कोन वालेकुम अस्सलाम व वरह रिंसा नेम ये हमने काफ़ी तलाश किया ये हमको नहीं मिल पाया है ये मुनासिब नहीं है इसके बजाय आप कोई अच्छे माना वाला नाम रखें सहाबियात के नाम रखें अजवाल मतहारात के नाम रख लें तो ज़्यादा बेहतर है इसी तरीके से एक साहिबा है आयशा इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब क्या लड़की का नाम नाफ़िया रख सकते हैं प्लीज़ बता दें वालेकुम अस्सलाम व वालेकम् नाफिया नाम रखा जा सकता है नाफिया के मानाते हैं नफ़ा बख्शने वाली नफा देने वाली नफ़े बख्श तो नाफ़िया अच्छा नाम है ये रखा जा सकता है इसी तरह से एक साहब है सलमान मंडल इनका सवाल है शिबान मीनिंग मौलाना क्या है कि शिबान नेम हमको नहीं मिल पाया है शिबान ये मुनासिब नहीं है एक लफ्ज़ होता है शाबान चीन पर जबर के साथ तो शबान के मान आएंगे चरवाहा गडरिया राई तो शिबान नेम मुनासिब नहीं है इसी तरीके से एक साहब आदिल इंस्टाग्राम इनका सवाल है असलकम आयजीन नेम का मतलब क्या होगा वालेकुम अस्सलाम वरहत लाला यह आई या आई ज़ैन ये लफ्ज़ हमको काफ़ी तलाश पर नहीं मिल पाया है यह महमल मालूम होता है इसी तरीके से एक साहब हैं अली शान इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम इज़रा नाम रख सकते हैं या नहीं इसका मतलब बता दीजिए प्लीज़ और इजमा इनाया हुर हैन हुरैन वालेकम्ह ये पेरा नाम आपने इज़रा पूछा है इज़रा ये कोई लफ्ज़ नहीं होता ऐसा लफ्ज़ होता है अज़रा अजरा के मनाते हैं बाकरा कबारी लड़की और इसरा होता है इस तरह के मनाते हैं रातों रात ले जाना रात में सफ़र करना रात को ले जाना इजमा इजमा हमजा के नीचे ज़ेर के साथ ये एक सहाबिया का नाम गुजरा है इसलिए इज़मा नाम रखा जा सकता है ये सहाबिया के नस्बत से बाबरकत नाम है इनाया इनाया के मनाते हैं तवज्जो करम मेहरबानी ये अच्छा नाम है हूर 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 नाम भी अच्छा है और हुरैन ये हूर असल होता है हूर हर के माना हूर जैसी खूबसूरत तो हूर नाम रखा जा सकता है इसी तरीक़े से एक साहब हैं जावेद वानी इनका सवाल है क्या मोहम्मद आन नाम रख सकते हैं बच्चे का मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएँ आान ये मुनासिब नाम नहीं है इसके माना अच्छे नहीं है इसी तरीके से एक साहब है अब्दुलरमान नूर इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब लड़की का नाम जुल्फ़ा एंड राहत रखना कैसा है यूपी इंडिया वालेकुम अस्सलाम व वरहल्ला देखिए जुल्फ़ा जो लफ्ज़ है ज़ुल्फ़ा ये कुरान का एक लफ्ज़ है वन दना जुल्फ़ा वसन आप शायद आपने क़ुरान से ही लफ्ज़ लिया है तो कुरान में जुल्फ़ा इस्तेमाल हुआ इसके मनाते हैं करीब के नज़दीक करीब होना तो जुल्फा नाम रखा जा सकता है राहत इसके मनाते हैं सुकून आराम इसी तरीके से एक साहब है साजिद इनका सवाल है इम्शा नाम का मतलब क्या है इम्शा, इम्शा इसके मनाते हैं चलना चलाना तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नाम नहीं है इसके बजाय कोई अच्छे माना का नाम रखें एक साहब का सवाल है मोहम्मद उन्ैस नाम रखना कैसा है उनस नाम अच्छा है उन्स सहाबी का नाम गुजरा है और उनस के मनाते हैं उनसीत महबत के सहाबी की नस्बत से नाम रखना से बरकत है इसी तरीके से एक साहब मोहम्मद शादाब इनका सवाल है मुशफ़ा नाम का मतलब बताओ मुशफ़ा यह नाम अच्छा है मुशफ़ा के मनाते हैं शफकत वाली मेहरबान शफीक मुशफ़ा नाम बहुत अच्छा है एक साहिबा है उजमा अली इनका सवाल है आयतल नूर नाम का मतलब बताओ आयतल नूर के मान आएंगे रोशनी की आयत रोशनी की निशानी तो आयतल नूर नाम रख सकते हैं कोई ख़राबी नहीं है एक साहब है मोहम्मद जावेदिन का सवाल है वालेकुम नाम है जरिश इसके बारे में बताएं और मीनिंग भी वालेक रहमतुल्लाह देखिए जरिश ये ज़र से बना है फ़ारसी के अंदर ज़र के मनाते हैं सोना तो जरिश इसके आएंगे सोने के और मालदार के तो जर नाम रखा जा सकता है कोई ख़राब नहीं है इसी तरीके से एक साहबा है अरशिया कुक स्टोरेज। का सवाल है अल्लाक मुफ्ती साहब अल्म नाम के मायने और क्या ये लड़के का नाम रखा जा सकता है प्लीज़ जवाब दीजिए वैलकुम अलम अलहाम नाम ये हमने काफ़ी तलाश वर्दी मिल पाया है वनहम नाम होता है अल्हाम मुनासिब नहीं है इसी तरीके से एक साहिबा का सवाल है हेज़लिन नीम के मीनिंग और डिटेल्स बता दीजिए हेज़लिन यह कोई इस्लामी नाम नहीं है यह हमको नहीं मिल पाया है यह मल मालूम होता है इसी तरीके से एक साहब शमस तब रेज़ ख़ान इनका सवाल है अल्लाम अरूब के माने बताइए अस्सलाम वरहल अरूब अरूब के मनाते हैं वो औरत जिससे उसका शोहर मोहब्बत करता हो या वो औरत जो अपने शोर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली उसको है उसको अरूब कहते हैं यह नाम रखा जा सकता है इसी तरीके से एक साहब है इमा जिनका सवाल है क्या कबीर नाम रख सकते हैं कबीर नाम रखा जा सकता है कबीर के मान आते हैं बड़ा बाकी बड़ा के माना अल्लाह को ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए बेहतर ये है कि आप आजिज़ वाले नाम रखें अब्दुल्ल अब्दुलरहमान ये ज़्यादा बेहतर है इसी तरीके से एक साहब हैं याशु सैयद इनका सवाल है अल्लाम आलकम सहर नाम कैसा है प्लीज़ बताएँ वालेकाम वरहल्ला सहर सहर नाम अच्छा है सहर के एक माना तो आते हैं तुल आफ्ताब से कुछ पहले का वक्त और एक माना आते हैं जब रात का छठा हिस्सा बाकी हो तो उसको शहर कहते हैं तड़का इसको शहर कहते हैं शहर नाम रख सकते हैं इसी तरीके से एक साहबा है सायरा शुब इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम अनसिया बतूल नाम का मतलब बता दें वालेकुम वालेकाम वरम अनसिया नाम तो हमको नहीं मिल पाया है बाकी इंसिया एक लफ्ज़ होता है इंसिया इसके मनाते हैं औरत के इंसान के और एक होता है उनसिया उनसिया के मनाते हैं उनसियत मोहब्बत अनसिया कोई नाम नहीं है इसी तरीके से एक साहब है जफ़र अंसारी का सवाल है अरकम नाम के आगे पीछे क्या लगाएं मौलाना अरकम के आगे आप मोहम्मद लगा दें मोहम्मद अरकम यह अच्छा नाम है कोई खराबी नहीं है इसी तरीके से एक साहब का सवाल है अस्सलाम वालेकुम जनाब आला बासिल नाम कैसा है और इसका मतलब बता दें शुक्रिया वालेकाम वरहल बासिल बासिल इसके माना आते हैं जरी बहादुर एक माना इसके आते हैं शेर एक आते हैं ताकतवर बासिल नाम अच्छा है यह नाम रखा जा सकता है कोई खराबी नहीं है तरीक़े एक साहब है मीर बख्श शेख इनका सवाल है अल्लाम आलकम मर बख्श नाम के मान क्या है वालकम्सम वरह मीर बख्श मीर बख्श के मनाते हैं मुगलिया अहद में तनख्वाह तकसीम करने वाला अफसर या इसी तरीके से सेहदेदार और एक माना इसके आते हैं माविन सिप सालार तो ये मीर बख्श नाम रखा जा सकता है कोई खराबी नहीं है ये नाम माना के अतबार से सही है इसी तरीके से एक साहब का सवाल है अलमैकुम मुफ्ती साहब मिश्रा नाम का मतलब बता दें क्या ये नाम लड़की का रख सकते हैं अस्सलाम व मिश्रा ये नाम मुनासिब नहीं है क्योंकि गैरों के यहाँ नाम रखा जाता इस्लामी नाम ये नहीं है मिश्रा नाम मुनासिब नहीं है इसी तरीके से एक साहिबा है आफरीन अंसार का सवाल है लेकुम नफ्ती साहब मेरे हस्बैंड का नाम रब्बानी है इसके मायने बता दीजिए प्लीज़ वालेकाम वबानी नाम अच्छा है रबानी के मानाते हैं रब की तरफ मनसूब और एक मानाते हैं खुदा से तल्लुक़ रखने वाला रब्बानी नाम अच्छा है कोई खराबी नहीं है और एक साहिबा का सवाल है क्या रूहैल नाम रख सकते हैं यह रूहैल नाम इसके माना दरअसल अगर राहील से हो तो इसके मना आएंगे सफ़र के सफ़र करना तो रुहैल नाम के मना सफ़र करने वाला ये नाम रखा जा सकता है लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छे माना इसके नहीं है बाकी रख सकते हैं इसी तरीके से एक साहिबा है हीना इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे का नाम हुज़ैल है वालेकुम अस्सलाम हुज़ैल नाम अच्छा है हुज़ैल ताबी का नाम गुजरा है इसमें कोई ख़राबी नहीं है एक साहब है हबीबुर रहमान नूर इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब लड़की का नाम हाविया फ़ातिमा रखना कैसा है प्लीज़ बताएँ रहमतुल्ला हाविया फ़ातिमा नाम रख सकते हैं हाविया इसके मानते हैं छुपाना इहाता करना घेरना तो हाविया नाम में कोई खराबी नहीं है रख सकते हैं इसी तरीके से एक साहब मिर्जा खान इनका सवाल है लेकिन मुफ्ती साहब इरसा नेम इरसा नेम ऑफ गुड वालेकमल इरसा इरसा के मनाते हैं जमना ठहरना लंगन अंदाज होना ये नाम रखा जा सकता है कोई ख़राबी नहीं है इसी तरीके से एक साहिबा झकिया बेगम इनका सवाल है फरहन नेम सही है और ज़मीर नेम भी सही है प्लीज़ टेक्स मी और इन्हीं का एक सवाल है अलमकुम आमारा नाम रख सकते हैं क्या प्लीज़ बताएँ वालेकुम असलम वरहल्ला देखिए पहला नाम हमने पूछा है फ़रहन फरहीन ये नाम सही है इसके मनाते हैं खुश होना ज़मीर ज़मीर इसके बहुत से मानी आते हैं एक माना तो इसके आते हैं राज़ के एक मानाते हैंद के और एक माना इसके आते हैं नकबत का एहसास तो ज़मीरा नाम रखा जा सकता है कोई ख़राबी नहीं है तो एक नाम आज इसमें आपने पूछा है अमायरा अमायरा हमज़ा के साथ इसके बगैर आप मायरा सिर्फ नाम रखें मायरा के माना आएंगे ख़ुराक मुहैया करने वाली घर का इंतज़ाम करने वाली तो अमायरा की जगह मायरा बेहतर है इसी तरीके से एक साहिबा है नफीसा तबसुम इनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब आशाज़ नाम का मतलब क्या है वैक्म असलम वरह आशाज़ कोई सही नाम नहीं है माना के अतबार से इसलिए नाम मुनासिब नहीं है इसी तरीके से एक साहिब अरबिद आलम इनका सवाल है अरबिद का क्या मतलब है देखिए अरबिद नहीं होता है सही तलफ का होता है अरबद अरबद इसके मान आते हैं खाकिस्तरी रंग भूरा एक माना इसके आते हैं शेर के और एक माना अरबद के आते हैं जहरीला सांप के तो अरबद नाम होता है कुछ माना इसमें सही है कुछ माना मुनासिब नहीं है अरबिद नहीं है अरबद होता है एक साहिबा का सवाल है नाइशा नेम मीनिंग क्या है भाई नाइशा नेम हमको नहीं मिल पाया मुनासिब नहीं है और एक साहब का सवाल है अलगम शहीर नाम रखना कैसा है वालेकुम असलम शहीर नाम रख सकते हैं इसके मानाते हैं मशहूर और मारूफ ये रखा जा सकता है इसी तरीक़े से एक साहब का सवाल है अस्सलाम वालेकुम अरजान नाम के माने क्या है वालेकुम वालेकम अरजान इसके माने आते हैं सस्ता कम कीमत अरजान नाम रख तो सकते हैं लेकिन कोई अच्छी इसके माने नहीं है इसी तरीके से एक साहिबा का सवाल है असना नेम के मीनिंग क्या है असना सा के साथ इसको लिखेंगे असना के मानाते हैं तारीफ करना असना नाम रख सकते हैं साहब का सवाल है वालेकुम रईसा का मीनिंग क्या है वालेकुम अस्सलाम रईसा इसके मन आते हैं मालदार अमीर ये रखा जा सकता है एक साहब का सवाल अल्लाम मुफ्ती साहब बिस्मा नेम का मतलब बता दें प्लीज़ वालेकम व बसमा इसके मान हैं मुस्कुराहट के लेकिन असल इसका सही तलफ होता है बासिमा नाम रखने के लिए बासिमा लफ्ज़ होता है बासिमा नाम रखें मुस्कुराने वाली एक साहिबा है मिसबा शेख उनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम अल सबा नेम के मायने बताइए प्लीज़ आपने कहा अलीना नाम के कुछ मीनिंग नहीं है इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम चेंज करके अल सबा रखना चाहती हूँ सबा फ़ॉर गर्ल्स इसे उर्दू में कैसे लिखेंगे अल सबा या अल अलबा वालेकुम व वरह देखिए अल सबा असल तो सबा होता है बाकी अलफिल लगा देंगे तो अल सबा इसके माने आएंगे सुबह और इसी तरीक़े से इसके माने आते हैं हवा के बाद सबा सुबह की हवा तो अलसबा नाम रख सकते हैं कि ख़राबी नहीं है तो ये आपके कुछ कमेंट्स थी जो मैं आपकी मैंने महफूज की थी जिन लोगों के बाकी जवाब नहीं आए हैं वो दोबारा कमेंट्स कर लें इन रिप्ले में जवाब दे दिया जाएगा या अगले कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे दिया जाएगा फ़कत वल्लम